अब एक आपको क्रिकेट निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए एक क्रिकेट निकालते हैं, ये देखिए बंद हो गया, बिल्कुल सही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPL इलेक्ट्रिकल लर्निंग के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि एक ऑटो स्विच है हमारे पास, भोपाराई का ऑटो स्विच है, उसको बेंटेक्स के एक स्टार्टर के ऊपर लगाना है, जो दो स्विच का स्टार्टर है। और इसके अंदर है 6 वायर हैं, तीन वायर है जो ब्लैक कलर के हैं। इसके अंदर एक वायर के अंदर गांठ लगी होती है जिसको L1 में लगाना होता है, और जो तीन वायर है वो है, एक तो लाल कलर का है, एक नीले का और एक पीले कलर का है। ठीक है, सबसे पहले क्रिकेट निकाल लेनी है। ठीक है, क्रिकेटें निकाल लिए तीनों, ले नजदीक ले। ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। ठीक है, ये भोपाराई का ऑटो स्विच है, इसका ये क्या टू फेस के अंदर मोटर को प्रोटेक्ट करता है, अगर फेस सिक्वेंस होगा तो मोटर को चलने नहीं देता है रिवर्स के अंदर। जो L1 है यहाँ पर, ये देखिए, ये L1 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। L1 के अंदर गांठ वाला वायर जो ब्लैक कलर का है वो लगाना है, इनको अच्छे से टाइट कर देना है। जो गांठ वाला वायर है वो L1 के अंदर लगाना है, जो बाकी दो ब्लैक कलर के वायर हैं इनको L2 और L3 के अंदर लगाना है। आपको बताया हमने L1 के अंदर गांठ वाला वायर, L2 के अंदर और L3 के अंदर वो जो दो ब्लैक वायर थे वो लगा दिए हमने। अब इसका ये जो रेड कलर का वायर है, ये देखिए यहाँ पे रेड स्विच है अपना, इसके यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है L1 से यहाँ पर, ये देखिए ये इस लिंक को हटाना है और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, ये लगा देंगे यहाँ पर, जो रेड स्विच है ना वहाँ से हटा के इस लिंक को, इसके ऊपर रेड कलर वाला वायर लगा देना है। ठीक है, अब इसका जो ब्लू वायर है, नीले कलर का वायर, इसको यहाँ पर लगा दें जहाँ से हमने ये लिंक निकाला था। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को, आपको कम्प्लीटली बताएंगे, चेक करके भी टू फेस के अंदर भी अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब इसका जो पीले कलर का, येलो कलर का वायर बचा है ना, इसको हमारा जो हरा स्विच है स्टार्टर का हरा स्विच है, उसका जो ये लिंक है, देखिए कोयल के साथ दिया हुआ ना, जो दो नंबर है, देखिए कोयल के साथ है, जो इसके साथ यहाँ पर लगा देंगे इसको। ठीक है, ये देखिए हमारे जो भोपाराई ऑटो स्विच है उसके अंदर रेड बबलिंग हो रही है, ये देखिए रेड बबलिंग हो रही है। तो रेड बबलिंग हो तो इसके अंदर क्या करना है कि जो दो ब्लैक वायर L2 और L3 के अंदर लगाए थे इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। ठीक है, क्रिकेट निकाल लेते हैं पहले, क्रिकेट को निकाल लिया है। जो L2 और L3 है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्रिकेट डाल देते हैं इसकी, अब देखते हैं। तीनों क्रिकेट डाल दिए, ग्रीन बबलिंग हो रही है ऑटो स्विच के अंदर और हमारी मोटर है जो ऑन हो चुकी है। ये देखिए, ये ऑटो स्विच है जो मोटर को टू फेस के अंदर और फेस सिक्वेंस के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करता है, भोपाराई का 100% इसकी एक्यूरेसी है। अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये चलती लाइन के अंदर अगर टू फेस हो जाए लाइट तो उसके अंदर ये सही वर्क करता है या नहीं करता है। अब ये देखिए भोपाराई के अंदर हरा सिग्नल आया हुआ है, अब हम एक क्रिकेट निकालते हैं, अभी स्टार्टर बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है देखते हैं। स्टार्टर बंद हो चुका है, मतलब बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, इसके अंदर रेड सिग्नल आ जाता है। अब दोबारा क्रिकेट डाल दी हमने, अब चेक करते हैं दोबारा इसको, ग्रीन सिग्नल आ गया है,
ये देखिए बिल्कुल सही वर्क कर रहा है ये। ऑटो के अंदर भोपारा ही होगा ऑटो स्विच के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टर है यहाँ से ऑफ नहीं होगा, ये देखिए ऑफ नहीं हो रहा है ना। तो इस बार अभी इसको हम ऑफ करेंगे ऑटो स्विच को पहले, ठीक है। ऑफ किया, अब यहाँ से ऑफ हो जाएगा स्टार्टर से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।